आज हमने पास आ चुके हैं विंग्स के फैंटम गेमिंग ईयरबड्स, जिसके अंदर आपको 30 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिलता है। और इसको क्विकली अनबॉक्स करके देखते हैं कि हमको बॉक्स के अंदर क्या कुछ चीजें देखने मिलती है। और इसके अंदर ये दो कलर्स के अंदर आता है, ब्लैक एंड व्हाइट। दोनों के अंदर आपको जो है वन कलर का ऑप्शन जो है वो देखने मिल जाता है, जो ग्लो करता है। क्विकली इसको जो है अनबॉक्स करके देख लेते हैं। क्विकली भाई इसको अनबॉक्स करके देख लेते हैं। तो आपको जैसे आप बॉक्स को ओपन करोगे, सबसे ऊपर आपको जो है एयरपॉड्स जो है वो रखे हुए मिल जाते हैं, TWS ईयरफोन्स है। तो देखते हैं भाई इसका साउंड क्वालिटी क्या है। बाकी इसके अंदर आपको 12 mm के ड्राइवर्स भी देखने को मिल जाते हैं। और बॉक्स के अंदर हमको एक टाइप सी चार्जिंग केबल देखने को मिलती है। उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा टिप्स भी दी हुई है और कुछ यूजर मैनुअल एंड वारंटी कार्ड्स आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। जब आप इसको चार्जिंग में रखते हो ना, ये लाइट्स भी ऑन हो जाती है, जो देखने में वैसे में बहुत ज्यादा बढ़िया लगती है। आप इसको बंद भी कर दोगे ना इवन, तब भी ये वाली लाइट 5-10 मिनट तक चालू रहती है, उसके बाद बंद हो जाती है। फिजिकल और लुक के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको जो है दो लाइट जो है वो देखने को मिल जाती है। उसके अलावा आपको फ्रंट की तरफ यहाँ पे विंग्स दिया लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ इस टाइप का लोगो टाइप का जो है एंग्रेव किया है। उसके अलावा आपको पीछे की तरफ आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है और नीचे की तरफ पूरा ही प्लेन है। और इसको क्विकली पीछे की तरफ आपको एक चार्जिंग इंडिकेटर भी दिया हुआ है, जहाँ पे व्हाइट कलर की लाइट जो है वो ग्लो होती है। जैसे आप बर्ड्स को ओपन करोगे, यहाँ पे आपके बर्ड्स रखे हुए हैं, और जैसे आप इसको चार्जिंग में लगाओगे ना, कुछ इस टाइप से ग्रीन लाइट इन बर्ड्स के ऊपर भी ऑन हो जाती है। इवन इसके अंदर आपको टच कंट्रोल्स भी देखने को मिल जाते हैं। इसके अंदर आपको MEMS माइक्रोफोन का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा IPX5 की वाटरप्रूफ रेटिंग भी देखने को मिल जाती है और 30 आवर्स का प्लेबैक टाइम भी आपको इसके साथ में देखने को मिलता है। बाकी इसको पहनने वगैरह की बात करें तो पहनने वगैरह में तो कंफर्टेबल है, कोई भी ऐसा बड़ा सा बल्कि सा डिजाइन नहीं, कान में भी अच्छे से फिट हो जाते हैं। बाकी इसके साउंड क्वालिटी की बात करें ना, तो एक बार आप सुन लो फिर मैं अपना ओपिनियन बताऊं। इसका गेमिंग टेस्ट करते हैं। देखो अगर आप सिंगल बुलेट में अगर आपको सुना के सिखाऊंगा ना, तो आपको ऐसा लगेगा भाई कोई भी लेटेंसी प्रॉब्लम नहीं है, एक बार देखो आप सुनो। बट अगर आप ज्यादा फायर करते हो ना, तब आपको पता चलेगा थोड़ा सा लैग है। और वो लैग ना उतना आपको वीडियो में नहीं एक्सपीरियंस होगा, बट जो यूज कर रहे हैं ना उसको जरूर पता चलेगा कि भाई यहाँ पे जो है ना ऑडियो में लैग है। हाँ, आप इसको नॉर्मल गेमिंग के अंदर यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे अगर आप कोई पबजी की बात कर लो या फ्री फायर की बात कर लो, तो वैसे गेमिंग कंडीशन के अंदर आपका जो है ना थोड़ा सा आपको लैग लगेगा फुटस्टेप वगैरह में। अगर मैं रनिंग भी करता हूँ ना, तो थोड़ा सा ज्यादा लैग आपको जो है सुनाई देगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल आपके जो वाइड ईयरफोन्स है जिसने भी। देखो इन विंग्स के बारे में मैं अपना ओपिनियन बता देता हूँ, साउंड क्वालिटी और गेमिंग एक्सपीरियंस तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, थोड़ा सा लैग जरूर है, फिर थोड़ा सा लैग जरूर है। हाँ, एक और चीज जरूर बताऊंगा, नथिंग की तरह भाई दिखाने के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगते हैं, कूल भी लगता है। और पीछे की तरफ कुछ इस टाइप का लाइटिंग इंटरफेस आपको देखने को मिलता है ना इन एयरपॉड्स के ऊपर। जैसे आप इसका गेमिंग मोड ऑन करते हो ना, इसको होल्ड प्रेस करके, तो ये एक्टिवेट हो जाता है और उसके बाद आप अपने गेमिंग मोड के अंदर एंटर हो जाते हो। उसके बिना तो आपको और थोड़ा सा ज्यादा जो है लैग जो है वो देखने को मिलेगा। उसके अलावा बात करें तो इसके अंदर आपको टच कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, जिसकी मदद से प्ले प्लॉस और नेक्स्ट चेक वगैरह आप इन TWS की मदद से कर सकते हो। तो यही कुछ थे फैंटम विंग्स एयरपॉड्स, गेमिंग एयरपॉड्स। और मेरे को भाई उतने कुछ खास नहीं पसंद आए, बाकी फिर भी किसी को परचेज करने हैं लिंक्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ। बाकी दिखाने के लिए तो भाई बहुत ही बढ़िया है, और अगर इतना ही अच्छा प्रोडक्ट होता मतलब इसको सुनने वगैरह में मजा आता, अगर आप इसको नॉर्मली भी यूज करना चाहो ना, तो मेरे को इसके जो जो बेस होता है ना वो बहुत ही कम लग रहा है। आपने भी सुना होगा, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना। और ओवरऑल बात करूं तो लुक्स के लिए लेना है तो आप परचेज कर सकते हो, बाकी किसी को साउंड के लिए चाहिए मतलब जिसको ऐसे नॉर्मल भी यूज करना है, गेमिंग के लिए भी यूज करना है, तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा। आप पहन के निकलोगे ना तो जरूर भाई आप हाईलाइट भी होगी, तो जिस तरीके से आप इसको पहन सकते हो और पहनने के बाद बहुत ज्यादा बढ़िया भी लगते हैं। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसको दबा के बेल आइकन भी ऑल पे सेट कर दो। और मैं मिलता हूं आपको ऐसी एक और नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय। We'll be right back.